लाड़कोई वन प्रक्षेत्र अधिकारी नवनीत झा की बड़ी कार्रवाई। सीहोर वन मंडल में वन प्रक्षेत्र लाड़कोई विटकिशनपुर का है, जहां पर भूमाफिया जंगल में पेड़ काट कर वन भूमि में ट्रैक्टर चलाकर कृषि उपयोग बना रहे वन प्रक्षेत्र अधिकारी नवनीत झा ने अपने खुफिया तंत्र की सूचना मिलते ही भूमाफिया द्वारा जंगल में अतिक्रमण किया। वहीं अभी ट्रैक्टर से बखरानी की जा रही, तभी रेंजर वन अमले के साथ सहायक वन प्रक्षेत्र पिपलानी केशनपुर इटावा के जंगल में चल रहे अवैध ट्रैक्टर को पकड़कर जब्त किया। लाड़कोई वन प्रक्षेत्र रेंजर नवनीत झा ने राजस्व करने की ट्रैक्टर पर की कार्रवाई। जहां पर बता दें कि ट्रैक्टर कल्टीवेटर कीमत 7 लाख रुपये, वन अपराध दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की। प्राइम डी न्यूज चैनल के लिए चंद्र सिंह बागवान, सीहोर, मध्य प्रदेश। कि एक ये जो ट्रैक्टर खड़ा है आपके सामने, वो आपने पकड़ा है, क्या मामला है? वन विभाग को सूचना मिल रही थी कि बीट किशनपुर के PF 443 कच्चे के मार्ग में वन माफियाओं द्वारा वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमारे गश्ती दल द्वारा मौके पर पहुंच करके मौके पर देखा कि वहां पर एक ट्रैक्टर चल रहा है जो वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण का प्रयास कर रहा था। हमारे गश्ती दल द्वारा ट्रैक्टर को जब्त किया गया। जब्त करते हुए वाहन मालिक के साथ में ट्रैक्टर को रेंज प्रांगण तक लेकर आया गया और यहाँ पर आकर के समस्त मौके पर जो कार्रवाई की गई उनको आगे की गई। तो अपराधी जो ट्रैक्टर चला रहा था उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की है या छोड़ दिया गया? अपराधी जो ट्रैक्टर चला रहा था उसके खिलाफ भी वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। सर, लगभग आप लाड़कोई वन परिक्षेत्र में एक साल से हो, एक साल में आपने कितनी कार्रवाई की होगी? लाड़कोई वन परिक्षेत्र में एक साल में हमारे 50 लाख से अधिक मूल्य के वाहनों को जब्त किया गया है, 40 से अधिक मोटरसाइकिलों को, एक आईसा ट्रक को, 3 बोलेरो पिकअप, एक ये जो ट्रैक्टर है उसको जब्त किया गया। तो ये जो भूमाफिया वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहा था, लगभग कितनी भूमि पर कर रहा था? ये लगभग 0.4 हेक्टेयर की भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया था इसके द्वारा। तो इस ट्रैक्टर को छुड़ाने के लिए कोई राजनीतिक दबाव या कोई? नहीं, इस प्रकार की कोई राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब अभी कोई प्रेशर नहीं पड़ा है ना? क्योंकि अभी तक ये हुआ है कि आप जैसे अधिकारी अपनी जान पर खेल कर वाहन जब्त करते हैं, वन भूमि को बचाते हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारी फॉरेस्ट अफसरों पर दबाव बनाकर छोड़ देते हैं। जो शासकीय प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसमें शासन की तरफ से किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया और वाहन को जब्त करके आगे की कार्रवाई के लिए राजसाथ के लिए अग्रेसित कर दिया।